ओई ओई नहीं करनी है भाई। देख मत, ओए देख मत। कितना लोगे भैया? पकड़ ले, हटा ले हाथ, हटा ले। अच्छा तू हटा ले हाथ, ओले छोटा सा बच्चा। कब तक मिलेगी? शाम तक। तो भाई यहाँ बनाई है मैंने कसूरी मेथी के पराठे, टेस्टी वाले। मतलब कर क्या रहा है तू, ये हरकत इतनी गंदी, तेरा दिमाग का टेस्ट भी करवा देती वैसे तो। बोल दूँ से फ़ोन करके कि भैया दिमाग टेस्ट और कर लो, गरम चाय के हाथ लगाता है नाला है। हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ और कई दिन बाद व्लॉगिंग हो रही है। बहुत अच्छे से नहीं, थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है और आर्चिक को भी फीवर रहा कई दिनों तक, तो उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई और व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ। आज मौसम थोड़ा अच्छा और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिलहाल अब बज रहे हैं 3, हल्की हल्की रुमझुम सी आ रही है बारिश। और बस बारिश देखने आई थी बाहर की कैसी बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम अभी भी ह्यूमिडिटी का हो रहा है, मीन्स अंदर तो और ज़्यादा घुटन हो रही है। अगर बिना एसी के बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है और अंदर बड़ी दिक्कत हो रही है बिना एसी के बैठने में। तो अंदर आर्चिक लेटा हुआ है, सुबह मैंने आपको दिखाया ही, उसका टेस्ट वगैरह कराया क्योंकि उसको वीकनेस आ रही है, उसकी वजह से ना उसको ब्लड टेस्ट कराया है। एक दो टेस्ट जो डॉक्टर ने बोले थे वो कराए हैं, तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसका जो सर दर्द है ना वो नहीं जा रहा है, उसकी दिक्कत हो रही है। बट अभी फील थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, बेटर फील कर रहा है सुबह से, तो सोचा कि मन कराया मेरा भी कि चलिए थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेते हैं। नहीं तो 3-4 दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं जा रहा है, तो मुझे भी बड़ी दिक्कत सी हो रही थी कि व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो चलिए आपको अपने पौधे दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे से और खूबसूरत से पौधे हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा आज भी एक रोज़ खिला है, 3-4 दिन से लगातार रोज़ खिल रहे हैं। ये देखिए प्यारा सा और खूबसूरत सा रोज़ जो है वो खिल रहा है। और आर्चिक बीमार हो रहा था 3-4 दिन से, तो उसे क्या कर रही थी मैं, डेली 1-2 फूल उसको दे रही थी, तो उसको अच्छा लग रहा था। क्योंकि फूलों को देख के हमेशा सभी का मन खुश हो जाता है। और एक ये देखिए इधर खिल रहा है गुड़हल का फूल। और देखिए बारिश के मौसम में पेड़ पौधे तो हमेशा अच्छे हो जाते हैं। कटिंग अगर आपको लगानी है तो आप लगा लीजिए किसी भी पौधे की, जो मर्जी जो आपके मन में आ रही है ना, वो पौधा अब जो है बारिश के मौसम में लग जाएगा। तो आज मैंने एक काम और किया, ये देखिए इस तरीके से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जो बाल आती है ना, बालियाँ जो आती हैं तुलसी में, मैंने 1-2 बालियाँ छोड़ दी थी जो पक गई थी। और ये देखिए कितनी सारी बालियाँ ही बालियाँ आती हैं, मैं डेली तोड़ती हूँ फिर भी आती रहती हैं। और मैंने इस वाले गमले में डाल दिए हैं, कुछ यहाँ पर नीचे डाल दिए हैं, तो देखते हैं अब कौन कौन सी बालियाँ होंगी। ये मेरा मेहंदी का पौधा है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया, चल रहा है अच्छे से चल रहा है। और ये देखिए ये आलसी मेरे बच्चे छोटे छोटे से कैक्टस के प्लांट्स हैं जो कि आलस में रहते हैं और अब बढ़ रहे हैं। तो बस पौधों की अपडेट यही है। और ये है मेरी स्वीट पोटैटो वाइन, बरगंडी कलर जो होता है वो वाला, और इस पे चढ़ा दिया है, तो ये खूबसूरती से चढ़ती जा रही है। ये देखिए अभी भी पसीने आ रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है बट फिर भी पसीने आ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं सहन हो रही है ह्यूमिडिटी, उसी की वजह से बार बार अंदर भागने को मन करता है कि बैठो पंखे के नीचे, एसी के नीचे, कहीं पे भी बैठो, बट बैठ जाओ अंदर, धूप नहीं बर्दाश्त हो रही है। आज धूप नहीं है फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है बाहर, चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए कुछ पत्ते जो जल गए थे ना वो तो अब ठीक होंगे नहीं, बट जो नए पत्ते आ रहे हैं वो अब बहुत ही खूबसूरती से और बढ़िया प्यारे प्यारे से पत्ते आ रहे हैं इसके, अब चलेगा ये मस्त होकर। ऐसे ही मनी प्लांट जो जल गया था
वो तो अब ठीक होने वाला नहीं है, जो चीज़ का नुकसान हो जाता है ना वो ठीक नहीं होती। बट अब जो पत्ते आ रहे हैं वो देखिए कितनी खूबसूरती से और बढ़िया होकर बढ़िया बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी बढ़ेंगे अभी। और जो ये हैंगिंग में एस्पेरिगस ग्रास है ना, इसका मौसम बहुत अच्छा है। अगर इसकी कटिंग आपको बनानी है तो कैसे लगाएं इसकी कटिंग, हाफ करते रहिए, हाफ अंदर से जड़ तोड़ दीजिए, साइड में आधी मिट्टी उधर आधी मिट्टी उधर, और दूसरे दो जगह बना दीजिए, दो जगह फैल जाएगी। इसका जेड प्लांट का, किसी भी प्लांट का, आप कोई भी प्लांट है, करी पत्ता है, जट्रूफा है, कैनी कैना लिली है, ये इधर है मोराया प्लांट है, कोई भी प्लांट है ना, सबकी कटिंग्स आप बना सकते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल तरीके से। लगाइए तो भाई, मुझे लग रही है भूख। आर्चिक को तो मैंने अभी क्या बनाया था, उत्पम टाइप का बना दिया था, क्योंकि इसका मन खाना खाने का नहीं कर रहा था, कह रहा था कुछ दे दो खाने के लिए ढंग का सा। तो मैंने इसको बहुत ही मेहनत करके पहले सारी सब्जियां रोस्ट की, उसके बाद उत्पम के ऊपर उसको सजा दिया बहुत अच्छे से, और एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा, खूबसूरत इसलिए बोल रही हूँ, यमी तो था ही, वो खूबसूरत भी लग रहा था देखने में भी ना, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैंने आर्चिक को दिया। और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना, भूख लग रही है क्योंकि मैंने सुबह तो खाया था, लेकिन अब दोबारा भूख लग रही है। मैं क्या करूँ, खाऊंगी तो है ही। बिना लाइट की शायरी नहीं आती है ना, तो लाइट ऑन करके अब बोलती हूँ। सुना है उम्र पर, गलत हो गई, उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे जितनी भी हो, सुना है दिल पर झुर्रियां नहीं आया करती हैं। सच है ना, यानी कि दिल हमेशा जवान रहता है, बूढ़ा नहीं रहता, बच्चा बना रहता है हमेशा। उस बचपने को, उस चीज़ को हमेशा जिंदा रखिए, और कभी भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। जिस स्पीड से वो पहले धड़क रहा था, वो उसी स्पीड से धड़कता है पूरी उम्र भर। तो दिल क्यों हो बूढ़ा, उसका काम बूढ़ा हो गया क्या? जितनी धड़कन है वो तब दे रहा था ना जब हम पैदा हुए थे, उतनी ही धड़कन है वो अब दे रहा है जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम चाहे मर्जी कितने भी बूढ़े हो जाएं, दिल की धड़कनें उसी हिसाब से चलती रहती हैं। ये देखिए, अगर भुट्टे आपके थोड़े पके हुए आ रहे हैं ना आजकल जैसे, तो उन्हें उबाल कर आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। इनमें 3 से 4 सीटी यानी कि लगा दीजिए, और आपके भुट्टे आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी लगाकर खा सकते हैं, नमक और नींबू लगाकर खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं जैसे कि मुझे पसंद है। इस पर कुछ भी ना लगाऊं और ऐसे ही करके खाऊं, बहुत ही स्वाद और मस्त लगते हैं ज़बरदस्त। आप उबाल कर देखिए, थोड़े पके हुए जो भुट्टे होते हैं ना, कच्चे होते नहीं है क्योंकि वो भून कर अच्छे नहीं लगते, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। हाँ दिखा ज़रा, ये है भाई मेरा जेल वाला बॉडी लोशन। अच्छा बॉडी लग रहा, लोशन है ये? हाँ रोज फ्लेवर में है, मस्त लग रहा है ना, कैसे बॉडी लोशन? बढ़िया लग रहा है एकदम। जेल बेस्ड बॉडी लोशन है ये निव्या क्या है? निव्या का, डिस्काउंट तो मिला हुआ है, बताओ क्या है? अमेजोन से नहीं है ये, फ्लिपकार्ट से आया है, इधर से देख लिया। फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट चल रहा है? हाँ फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट चल रहा है निविया का बॉडी लोशन जी। तो देखते हैं इसका, करते हैं टेस्ट ये कैसा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है सैनिटाइजर जैसा, ये देखो, और ये देखो कैसे बहेगा, ये ऐसे ही सैनिटाइजर आया करता था, आपको याद आ गई होगी लॉकडाउन की। ये देखिए इसी तरीके से, चलिए लगा कर देख लेते हैं हम। तो फील तो अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और खुशबू भी आ रही है रोज़ की, देखते हैं ये कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होता है। टाइम लगा रहा काफी, इससे चिपचिपाहट है थोड़ी।
में आई थी, ग्लिसरीन ज़्यादा है और देखो ये कैसे चिप 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 हो रहा है और ऐसा लग रहा है हाथ में कुछ है। देखते हैं और ये एब्जॉर्ब होता है या नहीं। एब्जॉर्ब तो हो गया बट हाथ में चिप चिप बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे लग रहा है कि हाथ धोकर आने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ लग रही है हाथ में जो कि मुझे वॉश करने पड़ेंगे, अभी भी लग रहा है। तो भाई इसमें चिपचिपाहट है, आप खुद ही देख लेना आपको ये लेना है या नहीं लेना है। अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छी है और वैसे भी अच्छा, ये देखिए पूरा एब्जॉर्ब कर दिया इसने हाथ में पूरा का पूरा, कहीं से भी कुछ नहीं है अब। बट हाथों में जो जैसे लगाया है ना तो यहाँ पर मेरे को चिपचिपाहट महसूस हो रही है, वो मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा। बाकी ट्राई कर सकते हो एक बार। ये देखो ऑक्सीमीटर, ना ऑक्सीमीटर लगा रखा और चिकन पल्स नहीं आ रही है, हैं? माना कि हमने, आप जानवर हो किसी भी पैर में लगा सकते हो, लेकिन आगे वाले पैरों में लगाना था कि पीछे वाले पैरों में लगा रहे हो। खराब नहीं है ये, आपको अगले वाले पैरों में लगाना था, यहाँ वाले थे, ये वाले जो पैर है ना अगले वाले, इन पैरों में लगाना होता है, इनमें, इसमें, इस वाले पैर में, यहाँ भी नहीं लगाना होता। यहाँ पर रख के देखो। हाँ यहाँ पे हर्ट यहीं तो होता है, यहीं रख दे, आ ही नहीं रहा है, खराब हो रहा है शायद, है ना, खराब हो रहा है, सही नहीं है। तो काफी चाहिए, एक कप आधा कप पूरा जो ट्रांसपेरेंट वाला है ना बड़ा वाला, उसमें एक ड्राम चाय आएगी पूरा भर पूरा भर के कप चाहिए। ठीक है ला रही हूँ, मतलब चीनी कम। ओके कोको पाउडर भी डाल दूंगी और कुछ सर है और हाँ है सब कुछ है सर। ओके और कुछ सर, कोई ऑर्डर और डिनर के लिए कोई ऑर्डर पहले से ही दे दो। तो भाई ये बन रही है मेरी लेमन ग्रास टी और इधर बन रही है आर्ची की कॉफी। अच्छी कॉफ़ी कैसी लगी? बस ये पी रहा है, वाह ये तो मेरी है, देख ले हैंडल किसकी तरफ है, ये रहा मेरा हैंडल और ये रहा तेरा, चल पी ले। तो भाई इस भाई साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ओके आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है और तब से ही डॉक्टरी झाड़ रहा है, पता है तब से ही कर रहा है, नहीं इसमें ये बड़ा हुआ है, इसमें ये बड़ा हुआ है, इसमें ये हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं है, सब सही है। अब बोल भाई बीबीए करे हुए डॉक्टर। ओ बीबीए वाले डॉक्टर। तो आपको मैं बता दूं बीबीए करके भी हम एमबीबीएस वाली डिग्री ले सकते हैं। तो गाइस जो आर्चिक की रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आई है और उसे सुनकर मेरे दिल को चैन पड़ गया, तसल्ली हो गई, नहीं तो तब से सुबह से लेके अब तक ना यही हो रहा था, पता नहीं कुछ आ ना जाए, कुछ टाइफाइड वगैरह ना आ जाए, तो बड़ी दिक्कत सी हो रही थी तब से ना, टेंशन सी हो रही थी, अब रिपोर्ट देख के तसल्ली मिल गई है और मैं हो गई हूँ हैप्पी। तो मिलते हैं कल फिर से नए व्लॉग में, अब आऊँगी रोज़, ठीक है, दो तीन दिन से इसने परेशान किया हुआ था इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, अब लेकिन डेली आएंगे, डेली परेशान करूँगी आपको व्लॉग्स दिखा दिखा कर, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय। लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, कर देना कर देना कर देना कर देना कर देना।